सिंपल है, देखो क्या है, स्टोन है जो, स्टोन को हाइट एज से ड्रॉप किया गया है ना, और फिर दूसरा स्टोन को फेंका गया ग्राउंड से, और दूसरा वाला जो स्टोन है वो 4 inch की हाइट तक जा सकता है। हमको निकालना है द टाइम व्हेन द टू स्टोन्स क्रॉस ईच अदर, है ना। सिंपल सी चीज है, क्या है, एकदम सिंपल है ये। ऐसा है, ये और ये, ठीक है, बराबर, कोई परेशानी, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा है कि नहीं। नहीं। तो हाँ अब ये 4 inch तक जा सकता है, 4 inch तक जा सकता है, उससे इसकी इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो क्या? यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2g into 4h, बताओ, ऐसा लिख सकते हो? एक मिनट, हाँ सर लिख सकते हैं सर। हाँ तो यू की वैल्यू क्या आ गई, √8gh, ठीक है, और हाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो 0 है हाँ ना। तो मान लेते हैं बीच में कहीं पे मिलते हैं ये लोग, यही निकालना है ना, क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो तो टाइम निकालना ना। तो मान लेते हैं टाइम लगा टी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, UT -half GT² हाँ और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, ½ GT² हाफ जी टी है ना। हाँ अब दोनों को मिला के ये बताओ कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये कितना है, h है ना, तो एच h इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, U into T लिखूं, U into T क्योंकि ये ऐड करोगे तो ये कट हाँ जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ तो टी का वैल्यू क्या आया, H/U, H/U हाँ H/√8gh, कितना हाँ है बताओ, √H/8g, ये आंसर हो गया। आई बात समझ? ओ अच्छा।